पिछले काफ़ी समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे महम से आज़ाद विधायक बलराज कुंडू के करीब 3 दर्जन ठिकानों पर आज इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। रेड की कार्रवाई सुबह से ही शुरू कर दी गई और इस रेड की कार्रवाई से मीडिया से पूरी तरह से अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी और अभी तक इनकम टैक्स की ओर से की गई इस रेड को लेकर बलराज कुंडू की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके रोहतक सेक्टर 14 स्थित निवास स्थान के अलावा उनके हांसी में रिश्तेदार और गुरुग्राम व दिल्ली में कई ठिकानों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुंडू पर इनकम टैक्स की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद राजनेताओं के बयान भी लगातार आ रहे हैं। कुंडू महम से आज़ाद विधायक हैं। कुछ समय तक उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन भी दिया और बाद में भाजपा से नाता तोड़ लिया। वे पिछले काफ़ी समय से किसान आंदोलन में भी सक्रिय हैं। कुंडू के यहाँ हुई इस छापेमारी पर विभिन्न राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसी के घर पर रेड हो तो इसके बारे में वे क्या कहें। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि ये सरकार सबको डराने का काम कर रही है। किसके घर पे रेड हो इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। मेरे घर पे भी अनेक बार रेड हुई है। कोई नहीं, आपने पूछा जाके उन लोगों से भी वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। कभी हमारे ईडी वाले आ गए, कभी सीबीआई वाले आ गए, कभी सरकार ने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। ये सरकार सबको डराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल उसको डरने की जरूरत नहीं। वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कुंडू विधायक के साथ साथ एक कारोबारी भी हैं। व्यवसायियों के यहाँ आयकर की जांच होना आम बात है। वो विधायक होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बड़े बिजनेसमैन होने के नाते इनकम टैक्स का जो वो होता है उसको रेड कहें या उनकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कहें, वो तो बिजनेसमैन के यहाँ तो आमतौर पर होती है। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तो बलराज कुंडू जी बता पाएंगे। तो कुंडू के ऊपर की गई इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर ने भी प्रतिक्रिया दी। गुज्जर ने कहा कि सरकार कानून और कायदे से चलती है, जिस किसी ने भी कानून की उल्लंघना की है तो फिर कानून अपने अनुसार काम करेगा। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी। और ये सिर्फ कई यहीं पर छापे पड़ रहे हैं क्या, जिन्होंने भी कायदे कानून से खिलवाड़ किया है तो पूरे देश में ये और ये लगातार चलते रहते हैं। हर विभाग का अपना काम है, कालाबाजारी को रोकना, काले धन को रोकना, टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ना, ये आपसे थोड़ी। जब से इस देश में कायदे कानून बने हैं हर विभाग उस कायदे कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करता है, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बदले की भावना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक होंगे तो कोई उनको कुछ नहीं कहने वाला। करनाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। आज इस सरकार के अंदर इतनी पारदर्शिता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कि आज संजय भाटिया पे रेड करनी है या आज शमशेर नैन पे रेड करनी है, ये उनके हाथ में नहीं है। ये जब पिछला रिकॉर्ड अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो कहीं डिस्पैरिटी आती है, कहीं फ़र्क नज़र आता है, तो उसी के ऊपर उसी के आधार पर होती है कौन पॉलिटिकल है कौन पॉलिटिकल नहीं है। ये किसी की आईडी में नहीं आता और आज कोई ऐसा समर्थन नहीं है चाहकर भी किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड, जब तक कि उसके अकाउंट्स अगर गलत ना बोले तो। ऐसा अकाउंट्स के अंदर कुछ दिखा होगा, उनको शक पड़ा होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल ठीक है उनके अकाउंट्स हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स 10 बार चेक हो जाए, मेरे कागज हैं 10 बार चेक हो जाए, जब मेरे में कुछ गलत ही नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कौन पॉलिटिकल है या कौन नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने रेड की कार्रवाई पर मीडिया से बातचीत करने के बारे में इनकार कर दिया। तो बलराज कुंडू जो खुद महम से आज़ाद विधायक है, जिनके कई ठिकानों पर आज छापेमारी कार्रवाई की गई, उन्होंने भी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।